हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने लूडो 3.4 ट्यूटोरियल को, और आज हम लोग बात करेंगे डाइस पे। ये जो हम लोगों ने डाइस बनाई है, या सारे प्लेयर्स के लिए जो डाइस असाइन होने वाली है, इस डाइस पे वर्क करेंगे। और इसके पहले के कुछ ट्यूटोरियल्स में, एक लेक्चर में मैंने डाइस का एनिमेशन बनाया था, आज इस पर पूरी वर्किंग करेंगे। क्योंकि हमारे प्लेयर्स का तो मूवमेंट होने लगा है, नंबर वहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट 5 सेट किया था, वो अब हम लोग डाइस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए अब हमें डाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हम लोग डाइस पे काम करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक रोलिंग डाइस बनाई थी, एक्चुअली में ये रोलिंग डाइस नहीं है, ये है एक एनिमेशन। तो मैं तो पहले इसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि यह है एक एनिमेशन, तो इसको लिखेंगे रोलिंग डाइस एनिमेशन। ओके, अब एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसका नाम दे देंगे रोलिंग डाइस। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन हमें एक्चुअली में इसके पोजीशन के बराबर रखना है, यानी कि जिस जगह पे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना। अब डाइस पे काम करें तो डाइस को जूम करते हैं। ये जो डाइस की पोजीशन है, वही सेम पोजीशन मुझे इसकी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, या तो हम लोग यहाँ से आके एक एक चीज़ सेट कर लें, या यहाँ पे आने के बाद कॉपी पोजीशन, आई थिंक कॉपी पोजीशन को अगर हम सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे पेस्ट पोजीशन कर दें, तो आप देखोगे कि इसका भी पोजीशन यहीं पे हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे हो गया है, और ये रोलिंग डाइस भी यहीं पे है। अगर अब हम इस रोलिंग डाइस एनिमेशन को इसके अंदर रख दें, तो भी ये यहीं पे रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0-0 सेट हो गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ ले आते हैं। क्या ले आते हैं? अगर हम अपने एसेट्स पे आएंगे, तो हमने टेक्सचर के अंदर डाइस बनाया था। अब डाइस में हमने ये तो एनिमेशन बना लिया था, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, क्रिएट फोल्डर, इसका नाम दे देते हैं डाइस। और ये जो हमारे फेसेस हैं ना, कंट्रोल करके मैं एक एक करके इनको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इसको इस डाइस फोल्डर के अंदर प्लेस करता हूँ। इसको ओपन करते हैं। अभी ये इमेज है, इनको भी हम क्या कर लेते हैं, स्प्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफॉल्ट को हटा के स्प्राइट 2D और अप्लाई कर देते हैं, तो ये अब एक स्प्राइट बन चुके हैं। और यहाँ पे इसको इस रोलिंग डाइस के अंदर प्लेस कर देते हैं, और ये सारे सेलेक्टेड हैं इसलिए एनिमेशन बन रहा है, तो मैं इसको सिंगल ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे एक रोलिंग डाइस के लिए एक स्प्राइट आ चुका है, और इसका नंबर दे देते हैं नंबर स्प्राइट होल्डर, क्योंकि ये क्या करेगा, स्प्राइट के लिए, दैट मीन्स हर एक डाइस के लिए नंबर होल्ड करेगा। तो इसको रीनेम करते हैं, इसका नाम देते हैं नंबर स्प्राइट होल्डर। अभी ये नंबर स्प्राइट होल्डर दिया, बट इसकी पोजीशन कहीं और है, इसको अगर हम रीसेट करें तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो ये आप ऑलरेडी करना जानते हैं कैसे, जैसे इसका किया था, है ना, 0.25 इसका था, लगभग इसका भी यही होना चाहिए। तो स्केल को हम लोग 0.25 कर देते हैं, अभी भी ये काफ़ी बड़ा है, तो आई थिंक 1.5 करना पड़ेगा। 1.5 पे ये परफेक्ट आया, थोड़ा सा हम लोग चाहें तो और भी छोटा कर लें, या अभी के लिए ठीक है। ठीक है, तो 1.3 चलेगा, 1.3 रखते हैं। और रोलिंग डाइस की पोजीशन को भी थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे करें, ताकि ये सेंटर में आए। ठीक है, अभी के लिए ये सेंटर में लग रहा है। अब हमारा ये नंबर स्प्राइट होल्डर हो गया, जो कि यहाँ पे दिखेगा नंबर। और ये जो रोलिंग डाइस है, ये एक एनिमेशन है, इसको मैं अभी कुछ देर के लिए यहाँ से इनेबल फॉल्स कर दे रहा हूँ, ताकि ये यहाँ पे विजिबल भी ना हो। अब एक काम करते हैं कि इस पर हमें क्लिक करने पे डाइस को रोल कराना है, है ना, डाइस को रोल कराना है। तो इस जगह पर एक बॉक्स कोलाइडर भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, बॉक्स कोलाइडर लेंगे, और इसके साइज को सेट करेंगे। अभी ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके स्केल को यहाँ से इसके साइज को सेट करेंगे।
ये हमारे उसी, तो ठीक है हमने कोलाइडर का भी साइज सेट कर लिया है। अब क्या करना है कि हमको इसके लिए एक स्क्रिप्ट भी लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है जो कि क्लिक होने पर हिट करेगी। तो अब आइए हम लोग एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं यहाँ पे और इसका एक नाम देते हैं। तो जिस नाम से यहाँ पे हमने प्लेयर पीस बनाया है इसी नाम से यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। क्रिएट पे आते हैं, सी शार्प स्क्रिप्ट और रोलिंग डाइस के नाम से एक स्क्रिप्ट बना लिया और इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने रोलिंग डाइस पे। कॉन्फिगर हो जाने देते हैं, देन इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब हमारी रोलिंग डाइस की स्क्रिप्ट तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। हमें क्या करना है, कुछ फंक्शनैलिटीज बनानी है जिसके थ्रू हम इसको रोटेट करा सके, एनिमेट करा सके और नंबर को डिस्प्ले करा सके। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। रोलिंग डाइस की स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। देखिए अपने को ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए तो ये मैं सबसे पहले हटा दे रहा हूँ। हमें जो चाहिए, हमें चाहिए स्प्राइट्स, जो 6 स्प्राइट्स हैं ना 1 2 3 4 नंबर के, वो चाहिए। तो उसके लिए बनाते हैं यहाँ पे सीरियलाइज्ड स्प्राइट जो कि एक एरे होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सीरियलाइज्ड, आपको ऑप्शंस मिल जाना चाहिए सीरियलाइज्ड फील्ड, और यहाँ पे आ जाएगा स्प्राइट, ये वाला स्प्राइट। देन स्प्राइट कैसा होगा, एरे होगा और इसका नाम देंगे हम लोग नंबर स्प्राइट, नंबर स्प्राइट। ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए, वो क्या चाहिए, इसी तरह से चाहिए था सीरियलाइज फील्ड, लेकिन अब की बार स्प्राइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्प्राइट रेंडरर, जो कि हमने एक आपने देखा था ना 5 नंबर के लिए स्प्राइट नंबर होल्डर बनाया था। तो अभी दिखाता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चाहिए हमको स्प्राइट और इसका नाम दे देंगे नंबर स्प्राइट होल्डर। अब देखो हमें क्या चाहिए था, नंबर स्प्राइट चाहिए, ये हमें लोड करना पड़ेगा अभी फ्रंट एंड से। एक और चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो भी होगा सीरियलाइज्ड फील्ड ही, लेकिन ये होगा इंटीजर, जिसमें हम रैंडमली कुछ नंबर जनरेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नंबर को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको देते हैं इंट और इसको नंबर गॉड दे देते हैं, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे लोड होगा और इसी के थ्रू हम इसी का यूज करके नंबर को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो हमने बॉक्स कोलाइडर यहाँ पे लिया उसको यहाँ पे लोड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑन माउस डाउन इवेंट को कॉल करेंगे। तो हम देते हैं ऑन माउस डाउन, ठीक है, ये हमने ऑन माउस डाउन मेथड क्रिएट कर लिया, इसी का यूज करके हम लोग अपने नंबर को डिस्प्ले करेंगे। तो एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम बोल देंगे रोलिंग डाइस, और ये कैसा होगा, पब्लिक वाइड होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पब्लिक वाइड का एक रोलिंग डाइस हमने बनाया। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले तो ये नंबर स्प्राइट लोड करा लेते हैं, नहीं तो हम डिस्प्ले ही नहीं करा पाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे, फेच होने देते हैं और रोलिंग डाइस की स्क्रिप्ट के अंदर चलेंगे। ये हो गया, इसमें हमको मिल रहा होगा जहाँ भी हमारी स्क्रिप्ट होगी, ये देखिए नंबर गॉट आ रहा है प्लस नंबर स्प्राइट्स मिल रहा है, और दूसरी चीज नंबर स्प्राइट होल्डर मिल रहा है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। इसको इस पे ड्रॉप करेंगे और नंबर स्प्राइट में जो हम लोगों ने ये डाइस बनाई थी इनको सीरियल से डाल देंगे। तो कितनी हमें चाहिए, 6 चाहिए होंगे, इंटर करेंगे तो हमको ना यहाँ पे 6 स्पेस मिल जाएगा। अब एक एक करके यहाँ पे 0 पोजीशन पे डाइस 1 डालेंगे, 2 1 पोजीशन पे 2 डालेंगे, 2 पोजीशन पे 3 डालेंगे, 3 पोजीशन पे 4 डालेंगे और 4 पोजीशन पे 5 डालेंगे, 5th पोजीशन पे 6 डालेंगे। तो इसमें तो हमारे स्प्राइट्स आ गए, और ये स्प्राइट्स की जगह नंबर स्प्राइट होल्डर यहाँ पे हमने अभी अभी बनाया था, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा इधर से तो काम हो गया, अब फिर से आते हैं यहाँ पे और अब हमें कुछ कोड करने होंगे। सिंपली सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, जो कि देखो ये ऑन माउस डाउन पे सबसे पहले तो हमको इसी को कॉल कर लेना है। जैसे ही
रोलिंग डाइस क्लिक होगी तो हमारा ये रोलिंग डाइस कॉल हो जाएगा। इसके बाद हमको नंबर गॉट करना है। नंबर गॉट कैसे करेंगे? सिंपल, हमें यूज करना पड़ेगा रैंडम, रैंडम डॉट रेंज। रेंज क्या करता है? एक रेंज वैल्यू जनरेट करता है। रैंडम डॉट रेंज करेंगे तो ये आपसे दो वैल्यूज मांगता है, एक लोअर वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कभी भी ये रिटर्न नहीं करता, यानी कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है 0 to 5 ही आएगी, 6 कभी भी नहीं आएगी। तो जो आप मैक्सिमम वैल्यू देते हैं उससे लेस देन 1 ही ये वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें हर बार एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि रैंडम होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर स्प्राइट होल्डर है, इस नंबर स्प्राइट होल्डर की जगह पे नंबर स्प्राइट होल्डर डॉट स्प्राइट, इसके स्प्राइट को हम ये जो नंबर गॉट किए हैं और यहाँ पे जो नंबर स्प्राइट है इसके अंदर नंबर गॉट को निकाल लें तो हमें मिल जाएगा एक। देखो ये हमें कोई पोजीशन रिटर्न करेगा, या तो 0 देगा, 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या है, वो इमेजेज है ना स्प्राइट, अभी अभी हमने लोड किया था, वो उसी पोजीशन से आएंगे और इसके अंदर लोड हो जाएंगे। देन एक्चुअल नंबर क्या होगा वो देखने के लिए, या अगर हमें यूज करना हुआ एक्चुअल नंबर तो प्लस प्लस कर देंगे तो अब इसका एक्चुअल नंबर आ जाएगा। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये नंबर जनरेट हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसको आते हैं रन करते हैं, ये हो गया। अब हम अगर इस पर क्लिक करें, यस यस यस, कुछ चेंज तो हुआ। ठीक है, ये क्लिक हो रहा है ना, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, बट ये बहुत ही तेजी के साथ चेंज हो जा रहे हैं। मैं इसको एक बार बड़ी स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। शिफ्ट गेम व्यू पे आते हैं, शिफ्ट स्पेस से बड़ा करते हैं और फिर इसको चेंज करके देखेंगे। 13 कर रहा है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 3 हो गया, फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो 4 हो गया, फिर से क्लिक करता हूँ 1 हो गया, 2 हो गया। तो नंबर तो अब यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं आ रहा है कि जो हमारी डाइस होती है वो रोल होती हुई दिखती है देन ये नंबर डिस्प्ले होता है। बट हमने एक चीज़ तो क्रैक कर ली है कि नंबर चेंज हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं ताकि ये रोल होता हुआ दिखे। तो देखो, जो हमने पहले एनिमेशन बनाया था ना ये रोलिंग डाइस का, ये वाला एनिमेशन था, और इसकी पोजीशन वगैरह चेंज हो गई तो क्या ये एनिमेशन ही हट गया? नहीं, ये डिसेबल है ना, इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ना इसको डिसेबल करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो एनिमेशन है ये किस तरीके से, इसकी पोज, इसको तो ऐसे रखते हैं, इसको जूम करने की जरूरत नहीं, सीन व्यू को जूम ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे आते हैं और अब देखिए ये हमारा एनिमेशन था। अगर हम इसको प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। आप इसको ना थोड़ा और फास्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आके इस पे आ जाएं, और मैं अभी के लिए इसको 50 सेट कर देता हूँ या 30 सेट कर देता हूँ, देन इसको प्ले करेंगे तो अब ये देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। 30 करते हैं तो थोड़ा सा आराम से ये मूव करेगा। हाँ ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसा एनिमेशन है और ये मूव करता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम इसको इस तरह से अनसेलेक्ट कर दें तो ये हमारा डाइस रोल हो रहा है। तो एनिमेशन ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और इसको डिसेबल करते हैं जैसे था, और इसको इनेबल कर देते हैं बस। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग से इस चीज़ को गेट करेंगे कि कैसे हम अपना एनिमेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक और यहाँ पे सीरियलाइज्ड फील्ड बनाएंगे जिसमें आएगा रोलिंग डाइस। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, स्प्राइट रेंडरर ही लेंगे, लेकिन इसमें हम लेंगे रोलिंग डाइस एनिमेशन। यहाँ पे हमने लिया एक रोलिंग डाइस एनिमेशन, और ये कहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। अब आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक और चीज मिल गया, रोलिंग डाइस एनिमेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे तो अब इसको रोलिंग डाइस का रेफरेंस मिल जाएगा। देन अब फिर से हम अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो, हमें एनिमेशन लाना है, थोड़ा सा होल्ड टाइम लेना है। कुछ आपको याद आ रहा होगा कि जैसे ही होल्डिंग टाइम वगैरह की बात होती है
तो हमें आई इन्यूमरेटर के थ्रू काम करना पड़ता है, जहाँ पे हम कुछ होल्ड ले पाते हैं या डिले दे पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं आई इन्यूमरेटर। आई इन्यूमरेटर को सेम जो ये चीज़ यहाँ पे हो रही थी, आप समझ लो कि रोलिंग डाइस ही करनी है, बट अब आई इन्यूमरेटर के थ्रू करनी है, जिससे हम इसके अंदर होल टाइम वगैरह दे पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा रीनेम कर दे रहा हूँ ताकि ये एरर चली जाए, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, येल्ड करेंगे, येल्ड, और रिटर्न करेंगे वेट अ सेकेंड नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, वेट फॉर एंड ऑफ अ फ्रेम, वेट फॉर एंड ऑफ अ फ्रेम। ये क्या करेगा, एक फ्रेम के लिए वेट करेगा, उसके बाद आगे कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा नंबर ऑफ स्प्राइट होल्डर है, जैसे ही डाइस रोल होनी शुरू हुई तो ये क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, ये ना दिखे। डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव, और सेट एक्टिव में क्या कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ से इसको हमने फॉल्स कर दिया। अब यही सेम चीज हम क्या करेंगे, अपने रोलिंग डाइस के लिए भी बना लेंगे, रोलिंग डाइस, बट रोलिंग डाइस को क्या करेंगे कि एक्टिव करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ये दोनों चीजें हो गई। अब हमको थोड़ा सा एक डिले देना है, तो यहाँ पे येल्ड यूज करेंगे, और अब की बार वेट फॉर अ फ्रेम नहीं करेंगे, बल्कि वेट फॉर अ सेकेंड करेंगे। कुछ सेकेंड के लिए हमको यहाँ पे होल्ड करना है, तो वेट, तो यहाँ पे मैंने 0.8 ऑफ के लिए सेकेंड के लिए होल्ड कर दिया। देन ये वाला जो कोड था इसको पूरा का पूरा यहाँ डाल दिया, ओके। और इतना होने के बाद ये जो कंडीशन थी ना ट्रू फॉल्स की, इसको फिर से रिवर्स कर दिया। तो अभी क्या होगा, ये सब कुछ होने के बाद हम इसको फिर से ट्रू करेंगे और इसको फिर से फॉल्स करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्प्राइट होल्डर चेंज हो चुका होगा। बस इतना ही करना है। लेकिन अब आपको एक और चीज़ याद होगी कि जब हम आई इन्यूमरेटर बनाते हैं तो इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट को रूटीन करना होता था। यानी कि हम इसको डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते हैं, इसको कॉल करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टार्ट को रूटीन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोलिंग डाइस को कॉल करेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं और अभी भी आपका गेम परफेक्टली चलेगा, बट यहाँ पे एक छोटी सी ग्लिच है। ग्लिच ये है कि अगर आप ऐसा करते तो आपका को रूटीन हमेशा चलता जाएगा, और चूंकि ये बार बार हिट होने वाला है, बार बार लोग रोलिंग डाइस को हिट करेंगे, तो हर बार एक न्यू को रूटीन स्टार्ट होगी और वो ओपन ही रहेगी। तो इसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए एक अरेंजमेंट करते हैं, और वो ऐसे हो सकता है कि को रूटीन यहाँ पे एज अ वेरिएबल डिफाइन कर दें और इसका नाम दे दें जेनरेट रैंडम नंबर डाइस। और ये जो जेनरेट रैंडम नंबर डाइस है वो आपका यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि यही तो हमारा को रूटीन है। तो ये जो स्टार्ट को रूटीन हुआ वो इसके अंदर लोड हो जाएगा, और यहाँ पे जब सब कुछ हो जाए तो इसको चेक कर लेंगे कि इफ जेनरेट रैंडम नंबर को रूटीन नॉट इक्वल टू नल है। अगर ऐसा है तो अब क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे किसको, को रूटीन को, को रूटीन को स्टॉप कर देंगे। और क्या स्टॉप करेंगे, रोलिंग डाइस। तो अभी क्या होगा कि को रूटीन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद हर बार क्लोज भी हो जाएगा, और अब हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं है सिंपली। और अगर अब हम आके देखें तो हमारा गेम परफेक्टली रन करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम गेम व्यू पे आते हैं, इसको जूम करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, रन करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए एनिमेशन आया, देन नंबर आया 1। अगर मैं फिर से क्लिक करूं तो 6, फिर से क्लिक करूं तो फिर से 6 1। तो देखा, अब हमने अपने डाइस पे एनिमेशन के साथ नंबर लाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बना लिया है। अब अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो ये गेम बार बार कंफ्यूज हो रहा है,
देखिए अगर मैं जल्दी जल्दी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि जब तक ये रोलिंग डाइस रोल हो रही है तब तक दोबारा अगर मैं क्लिक करूँ तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम कंट्रोल करेंगे। इसको करने के लिए सिंपली हमें आ जाना है यहाँ पे और इस पर आपको एक और वेरिएबल ले लेना है जो कि होगा पब्लिक बूलियन टाइप का, पब्लिक बूलियन, और इसका नाम दे देंगे कैन डाइस रोल कैन, और इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे ताकि बाय डिफॉल्ट जब भी आए तो ये समझ जाए कि हाँ डाइस को रोल करना है। और इस चीज़ को यहाँ पे वन फ्रेम होने के बाद, जैसे ही वन फ्रेम हुआ तो इफ की कंडीशन में चेक कर लेंगे कि क्या डाइस रोलेबल है। अगर रोलेबल है तो हम इन कोड्स को रन कराएंगे। अब ये सारे कोड हम उठा के इसके अंदर डाल देंगे और जैसे ही ये रोलेबल हो गया तो कैन डाइस रोल को तुरंत ही फॉल्स कर देंगे। अब ये यहाँ पे कैन डाइस रोल फॉल्स हो गया और सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे कोरूटीन को बंद होने से पहले इसको ट्रू भी कर देंगे ताकि ये दोबारा से हम जब सारा एनिमेशन ख़त्म हो गया, नंबर चेंज हो गया तो दोबारा भी तो क्लिक करना है, उसके लिए इसको ट्रू कर दिया। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसको फिर से रन करके देखेंगे कि क्या वो इफ़ेक्ट जो दोबारा से क्लिक करने पे आ रहा था अभी भी आ रहा है या हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो क्लिक किया, नंबर चेंज हुआ और अगर हम इसी समय बार बार क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं काम कर रहा है। जब ये स्टॉप हो जा रहा है तभी दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, ये कन्फ्यूजन अब नहीं रह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आज डाइस भी बना ली है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।